ठीक रिकॉर्डिंग। है, इन सब चीजों को हम यहां से सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, हमें रिलेट क्या कर रहा है, हम लोग ये जान रहे हैं कि इनिशियली द सुक्रोज वॉज ए, एट द टाइम पासेस इट रिड्यूसेस टू ए माइनस एक्स एंड एट द एंड इट बिकम्स जीरो। एट द टाइम पासेस द अमाउंट ऑफ सुक्रोज डिक्रीजेस, एट द टाइम पासेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इंक्रीजेस। इन्हीं सब चीजों को हमें क्वेश्चन में हमें ना ये दिया रहेगा ना ये सब दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में हमें केवल डेटा इस तरह का दिया हुआ है। जैसे मान लो ये जो रिएक्शन आपको हो रहा है उसको डायरेक्टली पोलारीमीटर आपको मैं पढ़ा चुका हूं, इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्टली हम लोग पोलारीमीटर के अंदर जो सैंपल ट्यूब होता है उसी में इसको हम लोग करवाते हैं। ठीक है, पोलारीमीटर के अंदर में जो सैंपल ट्यूब होता है इस सैंपल ट्यूब के अंदर में ही इस एक्सपेरिमेंट को कराया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको लाइट जाएगा, यहां से आपको लाइट जाएगा और यहां से आप एनालाइजर यूज करोगे। एनालाइजर आपको क्या देता है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन का डेटा आपको देता है। एनालाइजर आपको क्या देता है, एंगल ऑफ रोटेशन का डेटा आपको देता है। इसका डेटा देता है आपको एंगल ऑफ रोटेशन का डेटा आपको देता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में देगा टी इज इक्वल टू जब जीरो था तो यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व हुआ वो थीटा नॉट था। टी इज इक्वल टू जब जीरो था तो एंगल ऑफ रोटेशन जो था वो थीटा था, थीटा नॉट था। तो और एनी टाइम टी वन पर थीटा वन था, टी टू टाइम भी था थीटा थ्री था, टी फोर टाइम भी था थीटा फोर था एंड सो ऑन, टी इनफिनाइट टाइम पर थीटा इनफिनाइट। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेवरल डेटा फिल भी दिए आपको, उससे केवल निकालना है इन्फ्रेंस कि आप किसको किससे रिलेट करें। अब देखिए इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इनिशियली ओनली सुक्रोज वाज प्रेजेंट एंड देयरफॉर ऑप्टिकल बिहेवियर विल बी ओनली ड्यू टू सुक्रोज एंड देयरफॉर दिस एंगल ऑफ रोटेशन थीटा नॉट विल बी, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा नॉट विल ओनली बी due to this sucrose only and therefore theta naught will be proportional to A. Am I correct? Any time t may t1, t2, t3, any time t par t1, t2, t3 ye sab hame diya hua hai, इनमें से किसी भी एक डेटा को आप उठा लीजिए, कोई भी डेटा आप उठा सकते हैं, एनी टाइम टी, मान लिए हम इस डेटा को उठा लेते हैं, तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन आपको थीटा वन हुआ वो एनी टाइम टी पर आप सुक्रोज भी मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है, फ्रुक्टोज भी मौजूद है, है ना, सुक्रोज भी मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है, फ्रुक्टोज भी मौजूद है, इन सभी की वजह से आपको ऑप्टिकल रोटेशन होंगे और इसीलिए आपको
इसको ऐसे लेकर के चलना होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन, इसका मान लीजिए लैम्डा वन है, लैम्डा टू है, इसका लैम्डा, ठीक है। और वैसे केस में कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट इनटू लैम्डा वन, कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट इनटू स्पेसिफिक रोटेशन, कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एंगल ऑफ रोटेशन मिलता है, ठीक है। किसी तरह से एनी टाइम टी पर यह भी मौजूद है, यह भी मौजूद है और यह भी मौजूद है, तो नेट एंगल ऑफ रोटेशन जो थीटा वन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो लैम्डा वन इसका स्पेसिफिक रोटेशन इनटू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा वन इनटू ए माइनस सिक्स प्लस इसका एंगल ऑफ रोटेशन इसकी वजह से कितना हो जाएगा, लैम्डा टू इनटू एक्स, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, लैम्डा थ्री इनटू एक्स, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पर देखिए, जब आपको इनफाइनाइट टाइम हो गया तो इनफाइनाइट टाइम पर आपको एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, थीटा इंफिनिटी। इनफाइनाइट टाइम जब थीटा है तो आप उसको क्रॉस तो खत्म हो गया, केवल आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पूछा गया, तो जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आपको अभी मिलेगा वो केवल इसकी वजह से मिलेगा, आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की वजह से मिलेगा, इसलिए लिखेंगे थीटा इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू इंटू ए लैम्डा थ्री इंटू ए, ये आपको मिलेगा। आपको मैं कह चुका हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और इसीलिए k इज इक्वल टू लिख रही है 1 बाई टी, आप पहला डेटा उठाया है इसलिए 1 बाई टी ln a बाई a माइनस x। अब आपको यहां पर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री इन सभी को यहां से आपको हटाना है, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री इन सभी को यहां से हटाना है और हमें केवल a और x को ले आना, ठीक है। आप देख लीजिए कौन से, मैं कई चीज को मिटाऊंगा, तो हमें निकालना है k इक्वल टू 1 बाई टी वन ln a बाई a माइनस x रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको देखिए आप, इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा इंफिनिटी प्रोपोर्शनल टू a इंटू लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम थ्री बाई टू, थ्री में आप टू से डिवाइड कर दीजिए, थ्री में आप टू से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, थीटा वन बाय थीटा इंफिनिटी, थीटा वन बाय थीटा इंफिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा वन ए माइनस एक्स बाय ए इंटू लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस एक्स बाय ए, देख लीजिए बढ़िया से। a by x by a हो जाएगा lambda 1 by lambda 2 plus lambda 3 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपको,
लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री कट जाएगा, एक्स माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम और करें, फ्रॉम टू बाई वन कर लीजिए सर, फ्रॉम थ्री बाई वन भी एक पार्ट आप निकाल लीजिए, तो इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री कर लीजिए, वन बाई थ्री कर लीजिए, क्या हो जाएगा, थीटा नॉट बाई थीटा इनफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा वन बाई लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, इसको पहला वाला का थोड़ा सा सुधार करिएगा तो और ज्यादा आपको ठीक आ जाएगा, इसको थोड़ा सा पहला वाला हम थोड़ा चेंज करते हैं, उसमें हम करेंगे क्या कि थीटा वन जो लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वन ए माइनस लैम्डा वन एक्स प्लस लैम्डा टू एक्स प्लस लैम्डा थ्री एक्स, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है, लैम्डा वन ए प्रोपोर्शनल टू क्या है, थीटा नॉट, तो इसके जगह पर इसको इसको इस साइड ले आए तो क्या आ जाएगा आपको, थीटा नॉट आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा नॉट प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन थ्री माइनस लैम्डा वन इंटू एक्स, ये आपको यहां से आए, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी चेंज कर लेते, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी चेंज कर लेते, ये एक चीज हम लोग पा चुके हैं, डिवाइड बाय थ्री आ जाएगा आपको या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, फ्रॉम थ्री माइनस वन क्या जाएगा, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट, थीटा इन्फिनिटी क्या है, लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री इंटू ए माइनस लैम्डा वन ए, इसको लिख सकते हैं लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री माइनस लैम्डा वन इंटू ए, ये हो गया थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा। अब आप एक काम करें, इसको आप मान लीजिए ए और इसको आप मान लीजिए बी, आप क्या लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम ए बाई बी
a by b is equal to theta by minus theta naught by theta infinity minus theta naught is equal to ये और ये आपको क्या हो जाएगा कैंसिल क्या आ जाएगा आपको x by a. इससे आप निकाल सकते हैं 1 minus x by a is equal to 1 minus theta 1 minus theta naught by theta infinity minus theta naught. Theta infinity minus theta naught minus theta 1 plus theta naught by theta infinity minus theta naught. आपको क्या कैंसिल हो जाएगा ये आपको कैंसिल हो जाएगा theta infinity माइनस थीटा वन थीटा इनफिनिटी माइनस इसको यहां पर आप सजा दें 1 बाई टी वन एल एन 1 बाई 1 माइनस एक्स बाई ए इसको लिख सकते 1 बाई टी वन एल एन 1 बाई 1 माइनस एक्स बाई ए का वैल्यू से लगे थीटा इनफिनिटी माइनस थीटा वन बाई थीटा इनफिनिटी माइनस 1 by t1 ln theta infinity minus theta naught by theta infinity minus theta ये आपको clear है थोड़ा लंबा है थोड़ा time लगता है इसको करने में ये भी आपके syllabus में और ये भी इतना आसान नहीं है आपको एक बार किया हुआ रहेगा तब जाकर के आपको ये भी एक काफी मुश्किल चीज है ये भी आपको बहुत टाइम लेता है डेरिवेशन करने में किताब वगैरह में देखेंगे आप इसको बहुत सिंपली डायरेक्ट आपको लिख देता है लेकिन आपको इसको पूरा सॉल्व करने के बारे में पढ़ना हो पाएगा ठीक है बढ़िया कहीं पर कुछ पूछना है तो पूछिए कुछ पूछना है पूछिए ब्लू वाला उतना अच्छा नहीं है काला वाला ज्यादा डार्क चलता है ना कौन से तब नहीं सब हो गया यहाँ नहीं दिख रहा चैट बॉक्स में यहाँ नहीं दिख रहा चलिए इसको एक बार थोड़ा और देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रहेगा कि जो सारा एक्सपेरिमेंट होता है ना इसमें वो सारा आपको पोलारीमीटर के अंदर पे कराया जाता है सारा एक्सपेरिमेंट आपको कहाँ कराया जाएगा पोलारीमीटर के अंदर तो आपको यहाँ पर जितना भी कंपाउंड होगा उन सभी कंपाउंड्स के स्पेसिफिक रोटेशन कहिए एंगल ऑफ रोटेशन ऐड होकर के ना आपको बाहर एनालाइजर बताएगा टोटल समेशन बताएगा एंगल ऑफ रोटेशन समझ गए तो इसके हिसाब से देखें तो t इज इक्वल टू 0 पर एंगल ऑफ रोटेशन थीटा नॉट है एनी टाइम t1 पर इट इज थीटा 1 एट t2 दिस इज थीटा 2 एट t3 दिस इज थीटा 3 एंड एट t इनफिनिटी इट इज थीटा इनफिनिटी वी नो दैट सुक्रोज हाइड्रोलाइजेस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज
All three compounds are optically active in nature. And therefore, initially, when only sucrose is present, the optical protection is caused by only sucrose. And therefore, we can write concentration of sucrose multiplied by its specific rotation. हम लोग जानते हैं फार्मूला एक हम लोग पढ़े थे थीटा इज इक्वल टू सी सॉरी अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय सी इंटू एल तो थीटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू सी इंटू एल यानी कि आपको एंगल ऑफ रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन Length of sample tip is always fixed. तो सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ए इंटू लैम्डा दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन एज द टाइम पासेस सुक्रोज चेंजेस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव तो एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम टी विल बी sum of the angle of rotation of all three compounds present at any time t and therefore it is lambda 1 a minus x lambda 2 into x and lambda 3 into x okay at infinity when all the sucrose is converted into fructose and glucose then the optical rotation will be only due to glucose and fructose and therefore theta infinity will be proportional to specific rotation of glucose into its concentration specific rotation of fructose into its concentration ये हुआ mathematical इनका relation जो theta को हम उनके concentration और specific rotation से हम इसको relate करते हैं At the end, we have to convert it into this formula. Then only we can collect the value of k. So here a is and a minus x is. Just here for lambda one, lambda two, lambda three, there are three variables are to be eliminated first. क्या हम करेंगे? इनको मैं पहले use किया. पहले मैं यहाँ देखेंगे box. इसको मैं यहां पर थीटा वन इज लैम्डा वन ए माइनस लैम्डा वन एक्स लैम्डा टू एक्स इस साइड ये लैम्डा वन ए है लेकिन इस साइड इसका मतलब क्या है थीटा वन तो मैं इसको इस साइड ले आया इसमें आ जाएगा थीटा नॉर्मल तो मैं इसको लिख दिया और यहां जो बचा यहां एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री माइनस लैम्डा वन आपको आ जाएगा ठीक है इसके बाद आप यहां देखिए मैंने थ्री को थ्री में से वन को फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो थ्री में से वन को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा थीटा इनफिनिटी माइनस थीटा नॉट आ जाएगा और यहां से आपको याद है अब आपको देखने वाली बात यह है कि यहां जो टर्म है यहां जो टर्म ये दोनों कॉमन सेम इसीलिए इनको अगर हम डिवाइड कर दें मैंने डिवाइड कर दिया ए बाय बी जब मैं इनको डिवाइड कर दिया तो मुझे कुछ एक्स बाई ए आ गया बाकी कट गया मुझे चाहिए यहाँ ये चाहिए इसको नीचे डिवाइड कर देंगे तो वन बाई वन माइनस एक्स बाई ए हो जाए इसी वन माइनस एक्स बाई ए को मैं यहां से ले जाकर रख दिया इसको मैं पहले से सॉल्व कर लिया था इसको मैं ले जाकर यहां रख दिया इसको मैं ऊपर ले जाकर यहां से ठीक है इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बढ़ सकते हैं ये स्पेसिफिक रोटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहां देखिए आप ये k है यहां स्पेसिफिक रोटेशन लैम्डा वन लैम्डा टू कहीं पर है क्या यहां पर इस एक्सप्रेशन में लैम्डा वन लैम्डा टू कहीं पर आया है क्या कहीं पर नहीं आया
तो ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है आप, ठीक है। ये देखिए आप गौर से, यहाँ लंबा लंबा टू लंबा थ्री कुछ दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लंबा वन लंबा टू है ना, आयुष समझ में आ गया। ठीक है, तो मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हम लोग को खत्म हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हम लोग को खत्म हो गया। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट हो गया। तो हम लोग को एक चीज और सीखना है, डिपेंडेंस ऑफ K on temperature, dependence of K on temperature. So, iske do methods. ओल्ड मेथड और एक है न्यू मेथड। ये हम लोग अभी सीखेंगे और ये हम लोग बाद में सीखेंगे। एग्जाम में आपको ज्यादा यही आता है, ठीक है, एग्जाम में आपको ज्यादा यही आता है। ओल्ड मेथड के नाम से ज्यादा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पुराने जमाने में उतने साइंटिफिक मेथड्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, पुराने जमाने में उतने साइंटिफिक मेथड्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय क्या किया जाता था कि टेम्परेचर का डिपेंडेंसी हमें देखना है, तो किया जाता था कि कोई एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, T1 टेम्परेचर पर, उसका रेट को या रेट कांस्टेंट को मेजर कर लिया। अब उसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाता और फिर से उस रिएक्शन का रेट या रेट कांस्टेंट को मेजर कर लिया। ऐसा बहुत सारे रिएक्शंस के लिए पता किया कि T डिग्री सेल्सियस पर कितना है, टेम्परेचर जब टी है तो रेट आपका केटी है, रेट कांस्टेंट आपका केटी है, ठीक है, और टेम्परेचर जब टी प्लस 10 करते हैं तो के टी प्लस 10 हो जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट करके एक टर्म डिफाइन किया गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एट रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस एंड टू द रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जनरली
found to be lying between 2 to 3. जब भी एग्जाम में आपको आएगा तो यही चीज आपको पाया जाएगा. ध्यान दें, जनरली दिस इज फाउंड टू बी लाइक मेथड 2 to 3. पुराने जमाने में जब उतने अच्छे मेथड्स डेवलप कर रहे थे तो उस समय ये पाया गया कि किसी भी तरह का रिएक्शन हो उसमें अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया जाए तो उस रिएक्शन का रेट या रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है. और इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा गया. इसी को क्या कहा गया? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा गया. तो यहां से क्या सीखे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैन इन इंक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज जनरली. तो इन जनरल एक कॉन्सेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स. इन जनरल केमिकल काइनेटिक्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट विल ऑलवेज इंक्रीज, रेट कॉन्स्टेंट विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें. ठीक है, इसके एक फार्मूला बनता है. कितना टाइम हो गया? इसका एक फॉर्मूला बनता है. ठीक है, कि के टी प्लस एन इंटू 10 बाय के टी इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट रेज्ड टू द पावर एन. एक फॉर्मूला. ये एन क्या है? इंटीजर. एन क्या है आपको? इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल मान लो के 30 डिग्री सेल्सियस बाय के 10 डिग्री सेल्सियस. हमें निकालना है के 30 डिग्री सेल्सियस और के 10 डिग्री सेल्सियस को निकालना. इसका लिख सकते हैं K 30 degree Celsius by K 20 degree Celsius into K 20 degree Celsius by K 10 degree Celsius. इसके रेस्पेक्ट में मैंने 10 degree Celsius से बढ़ाया है, इसीलिए ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर बन गया. ये देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू K T, T degree Celsius को और T plus 10 degree Celsius, इसी के रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो इसके रेशियो को क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर 1 into ये 10 degree Celsius है और ये 20 degree Celsius है. टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर 1. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर 2 आ जाएगा. इसको आप कैसे लिख सकते हैं? K 10 plus 2 into 10 degree Celsius by K 10. देखिए तो यहां पर n का वैल्यू कितना आ गया? 2. यही आपको पावर में चढ़ाओ.